हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं आपका आप ही के यूट्यूब चैनल पे फिजिक्स एंड यू में। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आज लेके आया हूं एक नया एनिमेटेड वीडियो रिलेटेड टू इंट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद मैटर। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मैटर के साथ इंट्रैक्ट करती है, वहां पर तीन बेसिक प्रोसेस अक्कर होते हैं, अब्सॉर्प्शन, स्पॉन्टेनियस एमिशन और स्टिमुलेटेड एमिशन। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टिमुलेटेड एमिशन के बारे में। सो स्टिमुलेटेड एमिशन क्या होता है? जैसा कि आप देख पा रहे हो, स्टिमुलेटेड एमिशन इज ए प्रोसेस बाय विच एन इनकमिंग फोटोन ऑफ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी कैन इंटरेक्ट विद एन एक्साइटेड एटम कॉजिंग इट टू ड्रॉप टू लोअर एनर्जी लेवल। इसका मतलब क्या है? स्टिमुलेटेड एमिशन का मतलब यह है कि हमारे पास एक एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स है। जरूरी नहीं कि वो एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स हर बार ग्राउंड स्टेट एटम्स के द्वारा अब्सॉर्ब किया जाए और ग्राउंड स्टेट एटम उसको अब्सॉर्ब करें और एक्साइटेड स्टेट पे ऊपर जाएं। केस ऐसा भी हो सकता है कि ग्राउंड स्टेट एटम पे एटम ही अवेलेबल ना हो, उस वक्त क्या होगा? तो उस वक्त क्या होता है कि इनकमिंग फोटोन ऑफ एक्सटर्नल सोर्स इंट्रैक्ट करता है एटम प्रेजेंट इन ए हायर स्टेट और फोर्स देम, इंड्यूस देम टू रिटर्न बैक टू दी ग्राउंड स्टेट। उस वक्त जो एमिशन होता है, उस एमिशन को हम बोलते हैं स्टिमुलेटेड एमिशन। और इसके लिए हमें मिनिमम थ्री लेवल एनर्जी सिस्टम चाहिए होता है और जिसके लिए एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स चाहिए होता है। स्टिमुलेटेड एमिशन वर्ड हम जनरली सुनते हैं जब हम लेजर के बारे में पढ़ रहे होते हैं या डिस्कस कर रहे होते हैं। और स्टिमुलेटेड एमिशन के लिए हमें मिनिमम थ्री लेवल एनर्जी सिस्टम चाहिए होता है। तो मैंने आपके लिए एक एनिमेशन लिया है यहाँ पे, वो है रूबी लेजर का, जिसमें मैंने थ्री लेवल एनर्जी सिस्टम शो किया है, जिसमें आप देख पा रहे हो ग्राउंड स्टेट एटम 5500 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ को अब्सॉर्ब कर रहे हैं और वन बाय वन एक्साइटेड स्टेट पे मूव कर रहे हैं, ठीक है। और इस तरह से वो ग्राउंड स्टेट E1 से शिफ्ट होके एक्साइटेड स्टेट पे चले जाते हैं, जिसका लाइफ टाइम होता है 10^-8 सेकेंड, जो बहुत ही शॉर्ट स्पैम है। अब होगा क्या, 10^-8 सेकेंड के बाद एटम डी एक्साइट करके एक नई स्टेट पे आ जाएंगे जो इंटरमीडिएट स्टेट होती है, जिसको हम बोलते हैं मेटास्टेबल स्टेट, जिसका लाइफ टाइम होता है 10^-3 सेकेंड। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ट्रांजिशन और एनिमेशन में, इसको हम लॉन्ग लिव्ड स्टेट भी बोलते हैं, क्योंकि यहां पे एटम लॉन्गर टाइम के लिए स्टे कर सकता है इन कंपैरिजन टू एक्साइटेड स्टेट। इसी तरह से सारे पार्टिकल्स एटम्स यही कमोडेट हो जाते हैं मेटास्टेबल स्टेट में। पॉपुलेशन इन्वर्शन अजीब होता है ग्राउंड स्टेट और मेटास्टेबल स्टेट के बीच में। ये जो ट्रांजिशन हुआ E3 से E2 में, ये एक नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन होता है। अब होगा क्या, अब होगा ये कि अगर पंपिंग सोर्स ऑन है और ग्राउंड स्टेट पे कोई एटम अवेलेबल है, वो तो एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा और एक्साइटेड स्टेट पे चला जाएगा। ये तो एटॉमिक प्रोसेस है, चलता रहता है। लेकिन एक डी एक्साइटेशन होता है मेटास्टेबल स्टेट ग्राउंड स्टेट पे। ये पहला डी एक्साइटेशन जो होता है, ये होता है स्पॉन्टेनियस और ये फोटोन प्रोड्यूस करता है 6943 एंगस्ट्रॉम का, और वो फोटोन फर्दर स्टिमुलेट करता है एटम प्रेजेंट इन ए मेटास्टेबल स्टेट पे, सो दैट कि वो रिटर्न करे ग्राउंड स्टेट के लिए और एमिट करे कोरेंट फोटोन ऑफ 6943 एंगस्ट्रॉम का। इस तरह से हमारा एक स्टिमुलेटेड एमिशन होता है। अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑटोमेटिक प्रोसेस है, स्टिमुलेटेड इंड्यूस प्रोसेस है। स्पॉन्टेनियस अक्कर होता है विदाउट इंटरेक्टिंग एक्सटर्नल फोटोन, लेकिन स्टिमुलेटेड एमिशन के लिए हमें एक्सटर्नल फोटोन चाहिए जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करें। स्पॉन्टेनियस एमिशन में जो फोटोन प्रोड्यूस होता है वो रैंडम होता है, और स्टिमुलेटेड में जो फोटोन प्रोड्यूस होते हैं वो कोहेरेंट इन नेचर होते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, स्पॉन्टेनियस एमिशन के ड्यूरेशन में जो हमारे पास फोटोन प्रोड्यूस होता है वो सिंगल फोटोन प्रोड्यूस होता है, और स्टिमुलेटेड एमिशन में जो फोटोन प्रोड्यूस होते हैं वो जनरली दो फोटोन प्रोड्यूस होते हैं, जिसको हम बोलते हैं लाइट एम्पलीफिकेशन। आप एनिमेशन में या पिक्चर में देख भी सकते हो, राइट हैंड साइड में हमारे पास एक ग्रीन कलर का फोटोन है जिसने इंटरेक्ट किया
एटम प्रेजेंट इन ए हायर स्टेट और उनको फोर्स किया, इंड्यूस किया कि वो रिटर्न बैक ग्राउंड स्टेट पे आ जाएं। उस स्टेट पे हमारे पास टू कोहरेंट फोटोन जनरेट होते हैं। वो दो कोहरेंट फोटोन कौन से होते हैं? एक तो इनकमिंग फोटोन होता है, इंसिडेंट फोटोन होता है, दूसरा डी एक्साइटेशन फोटोन होता है। इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं स्टिमुलेटेड एमिशन। होप यू अंडरस्टैंड द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो हिट ऑन द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।